छात्र जीवन से कांग्रेस के साथ सियासी सफर की शुरुआत की, अब उन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया, वो भी इसीलिए क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम इन दिनों राम के रंग में नजर आ रहे थे। पार्टी से बाहर निकाले जाने पर प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगा डाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या हुआ? सनातन विरोधियों का चेहरा बाहर आ गया। अखिलेश यादव के चेहरे से हिंदुत्व का नकाब उठ गया। राहुल गांधी पर इच्छाधारी हिंदू होने का टैग लग गया। और विपक्ष में जो इक्का दुक्का राम भक्त बचे, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम है जिन्होंने छात्र जीवन से कांग्रेस के साथ सियासी सफर की शुरुआत की। अब इन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है। इन पर कांग्रेस की तरफ से इल्जाम भी लगाए गए। कृष्णम पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। कृष्णम पर पार्टी विरोधी टिप्पणी का आरोप लगा है। 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन जो आरोप कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम पर लगे हैं, उसकी सच्चाई बस इतनी है कि वो कांग्रेस के राम विरोधी चेहरे को देश के सामने रख रहे थे। उन्होंने पार्टी से निष्कासन पर अपनी बात भी रखी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए, उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से, तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला? क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी से लेकर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर भी निशाना साधा और कहा, मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया क्योंकि कांग्रेस राम और सनातन विरोधी है। बहुत बड़ा बोझ था सिर पर कि मैं उस पार्टी के साथ खड़ा हूँ, उस पार्टी में हूँ जो पार्टी राम का विरोध करती है, जो पार्टी सनातन को मिटाना चाहती है, राम के नाम लेने से चिढ़ती है, जो पार्टी हिंदुओं से चिढ़ती है, जो पार्टी में ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं। तो मैं सोचता था कि आखिर मैं इस पार्टी में क्यों हूँ। लेकिन मैंने छात्र जीवन में जब मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी से मिला था तो उन्हें वचन दिया था कि मैं आखिरी सांस तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। बेशक प्रमोद कृष्णम को फैसले लेने में देरी हुई, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि अब वो कभी कांग्रेस की चौखट पर नहीं जाएंगे। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रमोद कृष्णम जल्द ही बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 19 फरवरी तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।